बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑनलाइन लाइव ईसीएम ट्रेनिंग, ये ईसीएम यूरो 3 है। ये बैगनार, अल्टो, जैन, स्टीलो वगैरह वगैरह गाड़ी में यूज़ किया जाता है। और ये ईसीएम जो है वो 4 कपलर का होता है। 4 कपलर का, कपलर से मतलब होता है कि जैसे हमने ये लिया 1 2 3 4, तो ये 4 कपलर का ईसीएम है। और हर पिन की अपनी कोई ना कोई नेम है। कोई फ्यूल पंप की पिन है, कोई मेन रिले की पिन है, कोई सप्लाई की पिन है, कोई सेंसर ग्राउंड की पिन है, कोई अलग अलग इंजेक्टर की पिन है। तो सारी पिनें इसके अंदर हैं। अब हमें क्या पता ये कौन सी पिन किसकी है, जो गाड़ी बहुत यूज़ में होती हैं तो उनके पिनआउट्स तैयार कर लिए जाते हैं। इन कपलर का नेम भी होता है, इसका नेम अलग है, इसका नेम अलग है, इसका नेम अलग है, इसका नेम अलग है। तो ये इसका हमने पिनआउट्स लिया। अब इसमें जैसे कि हमारा ये कपलर है, राइट, ये कपलर है चारों, तो उसी तरीके से ये पॉइंट इस तरह से बना दिए गए हैं, 1 2 3 4। अगर हम देखें तो सबसे इधर वाला जो हुआ वो C50, बीच में C51, C52 और G01। ठीक, अगर हम यही बात यहाँ देखें तो ये कहलाएगा C50, C51, C52, G01। ठीक, अब इसके लिए पिनआउट्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम किसी भी सेक्शन को सर्च करेंगे तब हमें ट्रेस करेंगे तब हमें पिनआउट्स का होना हमारे पास ज़रूरी है। जैसे कि ये आपकी एक कोई सी एक पिन ले लेते हैं, मान लीजिए टीपी सेंसर की पिन ले लेते हैं, पिन 12 और टीपी सेंसर 5 वोल्ट। ठीक है, तो ये दिखा रहा है ऊपर कि कनेक्टर C51। तो अब हमें इसमें देखना है कि पहले तो इसे देख लें C51 कहाँ पर है। ये C50 हो गया, C51 हो गया, ठीक है, C52 और G01। तो इसी तरीके से अगर हम इधर लें तो ये पहला हो गया हमारा C50 और ये हो गया C51। इसमें जो पिन नंबर 1 है, जो पिन नंबर 1 है वो पिन नंबर 1 ये रही। तो इस तरीके से 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 11 12 13, तो 13 पिन जो रही वो ऑक्सीजन सेंसर की है और 12 जो है इधर वाली वो जो है टीपी सेंसर की है। तो इस पिन को मान लीजिए हमें टीपी जो सेंसर है उसके सेक्शन को चेक करना है, तो इस पिन को हम जो है वो इसको ट्रेस करते जाएंगे, इसी के साथ साथ और जो इसकी आईसी वगैरह है वहाँ तक पहुँचेंगे, या इसका मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर है तो इसी को पकड़ लेंगे और इसी के सहारे मल्टीमीटर की हेल्प लेते हुए बीप की रेंज पे मल्टीमीटर रखेंगे और उसको हम ट्रेस करेंगे। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि किसी भी ईसीएम को ट्रेस करने के लिए उसके सेक्शन को ज़रूरी है कि हमारे पास पिनआउट्स का होना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, पिनआउट्स का होना ज़रूरी है। न्यू बैच 15 जून से स्टार्ट होने जा रहा है। जो भाई एडमिशन लेना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।